हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल जो है हम अपनी ठेस कहानी परिश्वरनाथ रेणु की, कल हमने आपको उसके बारे में बताया था, एक छोटी सी मतलब हम संक्षिप्त में कहानी आपको सुनाया था। आज हम उस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इसमें हमने कुछ शब्दार्थ लिख दिए हैं, तो आपका होमवर्क में क्या रहेगा, इन शब्दार्थों को लिखना रहेगा। तो चलिए अब हम अपना पाठ जो है शुरू कर रहे हैं, है ना। देखिए पेज नंबर 38 आप लोगों को निकालना है, यानी 38 नंबर का पेज आपको निकालना है और देखना है। कहानी जैसे हमने सुनाए थे वहीं से बिल्कुल वैसे ही सुनते जाइए ध्यान से। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, लोग उसे बेकार नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को, है ना। यहाँ पर खेती बाड़ी का काम चल रहा है तो उसके बारे में बताया गया कि सिरचन को कोई बुलाने नहीं जाता, क्या होगा उसको बुलाकर। दूसरे मजदूर खेत में पहुंचकर एक तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब कामचोर है बोले गया है कि वो जब दूसरे पूरा काम कर चुके होंगे तब वो बड़ी मुश्किल से औजार जो है उठाता है। पगडंडी पर तौल तौल कर कदम बढ़ाता हुआ धीरे धीरे, है ना। पगडंडी यानी कच्ची सड़क होती है मिट्टी की बनी हुई, उसको बोलते हैं पगडंडी। पर धीरे धीरे कदम बढ़ाता है बोलते हैं, है ना। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, यानी फ्री में उससे यानी काम नहीं करा और पैसे दे दो तो वो चल जाता है। आज सिरचन को मुफ्त खोर कामचोर या चटोर कह ले कोई, एक समय था, यानी अभी इसको लोग क्या बोलते हैं, मुफ्त खोर कामचोर और चटोर। परंतु एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास, मड़ैया यानी होता है झोपड़ी, घास फूस का बना छोटा सा मकान, है ना। ये तो एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सांवरिया बंधी रहती थी, उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे कि चलो भैया तुम ये हमारा काम कर दो, ऐसा करके, है ना। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगिरी रह गई है, सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। चिक यानी होता है बांस की तीलियों का बना पर्दा, ये लिखे हैं हमने, है ना, चिक। उसके बाद देखिए, मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। ऐसा कौन बोल रहा है, लेखक परिश्वरनाथ रेणु, उन्होंने अपने आप को इसमें पाठ में दर्शाया है। माँ हंसकर कहती, जा बेचारा मेरे काम में भोग की बात नहीं उठाता कभी। आगे देखिए फिर वो क्या बोलते हैं लेखक, बताना चाह रहे हैं अपनी माँ को कि ऐसा नहीं है, वो किसी की भी बेइज्जती कर देता है। तो देखिए, ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी होता है बेइज्जत कर दिया था सिरचन ने, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती, उसको क्या बोला कि नाखून काटते जाती है और मुँह से और तरकारी यानी सब्जी परोसती है, और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है इमली का रस डाल के, परंतु तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखा ये हमारे जैसे कढ़ी बनाना, है ना। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले माँ से मैं पूछ लेता हूँ, ऐसा कौन बोल रहा है, लेखक कहते हैं। आगे देखिए, सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन आज नैनू मत रही हूँ, नैनू यानी होता है मक्खन दही, तो तुम्हारी याद आ गई, घी की डाढ़ी खखोरन यानी नीचे जो बचा रहता है ना दही, थोड़ा बहुत अपन खाते पीते हैं कोई भी चीज़ और थोड़ा सा बचता है उसको बोलते हैं खखोरन, के साथ चिवड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, यानी थोड़ा सा जो दही रहता है उसके साथ में चूड़ा यानी कि जो पोहा रहता है उसको डाल दिया जाए तो उसको वो सिरचन को बहुत पसंद है। और आज बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, यानी बड़ी बेटी जो है मतलब जो लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु जी, उनकी जो बहन है उसने ना माँ बता रही है कि समाध भेजा, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए, क्या कहती है कि लंबी घास की जो शीतल पार्टी बनती है, शीतल पार्टी यानी होता है चिकनी पतली और बढ़िया चटाई, है ना, तो वो लंबी घास की जो बनती है वैसी मुझे चाहिए बोलती है, कौन, लेखक की बड़ी बहन। आगे देखिए, सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ भाभी, ऐसा कहता है लेखक की माँ को सिरचन, क्या बोलता है, भाभी कहता है, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है, ऐसा बोले, है ना, बोल रहा है वो। सिरचन जाति का कारीगर है, एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त, काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहुआ सांप की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, यानी
बाधा नहीं पड़ना चाहिए उसके काम के समय, नहीं तो क्या करता है वो, इसको बोलते हैं सांप को, गेहुआन सांप को क्या बोलते हैं, इंडियन कोबरा है, या नांग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ऐसे सांप के समान फुफकार उठता है, बोलते हैं गुस्सा हो जाता है ना, और बोलते हैं कि दूसरे से काम करवा लो, सिरचन मुँह जोर है कामचोर नहीं। फिर उनको क्या बताता है कि मैं मुँह जोर हूँ पर कामचोर नहीं, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल भर नहीं बर्दाश्त कर सकता, ऐसा बोल रहा है वो, है ना। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं, तली बघरी हुई बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो तब सिरचन को बुलाओ, क्योंकि वो खाने का बहुत शौकीन है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है, चटोर, है ना, और कामचोर, और क्या बोला गया, मुक्त खोर, है ना, दो मिलाता हुआ हाजिर हो जाता है। अच्छी अच्छी खाने की चीज़ मिलती है तो वो उनके घर चले जाता है। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, यानी अच्छे से काम नहीं करता अगर अच्छे से खाना नहीं मिलता तो, अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा, आज तो अब अध का पाली दर्द से माथा ठंडना रहा, क्या बहाने मार देता है कि मेरा आधा सिर दुख रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, कहता है थोड़ा बहुत बचा है तो मैं किसी दिन आकर पूरा करूंगा। कब ऐसा कहता है, जब उस पर अच्छे से खाने नहीं दिया जाता, किसी दिन का माने कभी नहीं, पर वो किसी दिन आऊंगा कह के चले जाता है और फिर कभी नहीं आता। आगे देखिए, मोती घास और पटेर की शीतल पाटी, बांस की तीलियों की चमचमाती चिक, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की, मूंज यानी होता घास की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी के तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं, यानी अब ऐसे काम को क्या करते हैं, बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ नहीं बोलेगा, मतलब उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो क्या करता है, पेट भर खिला दो और पुराना धुराना कपड़ा दे दो तो वह कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी, ठहरो मैं माँ से जाकर तुम्हारी बात कहती हूँ, इतनी बड़ी बात, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, है ना। खेसारी यानी मतलब इसका वैज्ञानिक नाम है लेथाराइस सेटावाइस, है ना, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, है ना। अब जो है आगे का भाग जो है हम कल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आज के लिए आपका होमवर्क है, इसकी मीनिंग करना है आपको, और जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार पढ़ना है, और जितने भी लोगों की कॉपी चेक हो गई है वो हम कल उसके नंबर आपको भेज देंगे। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त होती है, धन्यवाद।